श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां हम हर रोज़ आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ, हम हर रोज़ भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों यह उपाय शनिवार से जुड़ा है, यानी शनिदेव के से। आपको दोस्तों बता दें, शनिदेव हमारे कर्म फल देवता हैं और वे हमारे कर्म अनुसार ही हमको फल देते हैं, इसलिए इनकी आराधना करना बेहद ज़रूरी है। ये जानना भी इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को इन उपायों की ज़रूरत है वह भी इनका लाभ उठा सके। दोस्तों अब अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों जैसे हमने बताया, शनिदेव कर्म फल देवता हैं और इन्हें काफ़ी गुस्से वाला ही माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव बेहद कृपालु दयालु भी हैं। सब कुछ निर्भर करता है आपके कर्मों पे। हम आपको बताना चाहेंगे, आपको करना यह है, आपको शनिवार के दिन दोस्तों शाम के वक्त ध्यान रखिएगा, जब सूर्य अस्त हो चुका हो उसके बाद आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है और आपको शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाना है। दोस्तों ये शनिदेव को प्रिय है, लेकिन याद रखें उनके ऊपर ये सरसों का तेल चढ़ाते वक्त आप शनिदेव की नज़रों में ना देखें, वरना शनिदेव की कुदृष्टि आप पे पड़ जाएगी। आप उनके मूर्ति पर जब ये जल चढ़ाएं तो आपकी नज़रें उनके चरणों पे होनी चाहिए। इसी के साथ यदि आप चाहें तो आप नील भी चढ़ा सकते हैं या दोनों चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं, नील भी उन्हें बहुत पसंद है। इसी के साथ अगर आपको कोई नीला पुष्प मिल जाए तो वह भी आप साथ ले जाएँ और ये शनिदेव को चढ़ा दें। इसके साथ आपको एक और कार्य करना है, आपको कोई पीपल का वृक्ष ढूंढ लेना है, वहाँ भी आपको शाम के वक्त जाके एक तेल का दीपक जला देना है। और यह दोनों जगह पे जब आप जाएँ शनिदेव के पास और पीपल के पेड़ के पास, तो ये कार्य करने के बाद, दीपक जलाने के बाद, सब चढ़ाने के बाद आप अपनी जो भी इच्छा है वह ज़रूर मांग लें। और हाँ, वहाँ से वापस आते वक्त गलती से भी पीछे मुड़ के ना देखें, यह बेहद ज़रूरी चीज़ है। ऐसे मुड़ के नहीं देखना चाहिए जब आप शनिदेव के या पीपल के पेड़ के पास से आ रहे हों, इस बात का खास ध्यान रखें दोस्तों। और इसी के साथ शनिवार के दिन किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, मांस मदिरा का सेवन ना करें, अन्यथा शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। और शनिदेव यदि आपसे रुष्ट हो गए तो विश्वास मानिए, शनिदेव रंग को राजा बना सकते हैं तो राजा को रंग भी बना सकते हैं, इसलिए ये गलती ना करें दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इसमें दी गई ये महत्वपूर्ण जानकारी और उपाय अच्छा लगा होगा। आप ये शनिवार के दिन करके देखें दोस्तों। और हाँ, अगर आपको एक काला कुत्ता मिल जाए तो आप उसको भी गुलाब जामुन, यानी काला रसगुल्ला इसे कहते हैं, वह भी आप उसे खिला दें। इससे भी आपके ऊपर अगर शनि की ढैया साढ़े सादी चल रही होगी तो उसका प्रभाव भी बेहद कम हो जाएगा और शनिदेव की कृपा होगी दोस्तों। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।